हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया ब्लॉग से। आज है नवरात्रि का डे 6, आज छठा दिन है। तो मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया और मेरी दीपक भी जल रही है, ज्योत, अखंड ज्योत, और मंदिर में पूजा कर लिया। तो अभी क्या कुछ बनाना है अभी देखते हैं। आलू ही बनाऊंगी, और क्या बनाऊंगी, आलू ही मैं खाती हूँ और वही बनाऊंगी, और कुछ तो नहीं बनाने वाली हूँ। और कुछ मैं खाती ही नहीं तो क्या बनाऊंगी, क्या ही बनाऊंगी। हाँ, ये व्रत वाले चिप्स खाती हूँ, ये व्रत वाले चिप्स खाती हूँ, और वो खाती हूँ पेठा, जो पेठा होता है वो खाती हूँ, ये। और राशन आया हुआ है, अभी भरा नहीं है हमने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी यहाँ प्रिया इस टाइम अभी आलू काट रही है, जो कितनी अच्छी आ रही है। जब मैं शूट करती थी इतना अच्छा नहीं आता। सो गाइस, मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ फलहारी बनाने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम कुट्टू का आटा ये सब चीजें नहीं खाते। ओनली आलू, मतलब आलू हो गया और घिया, घिया हो गया, मतलब उस टाइप की सब्जी, वो उसपे क्या नाम है आपका, मूंगफली के ऑयल के अंदर और सीधा नमक डाल के और सिर्फ सिंपल मिर्ची, इसके अलावा टमाटर, बस यही सब हम लोग, मतलब हम लोग क्या, ये प्रिया बनाती है और खाती है, यही सब मतलब खाते हैं। और देखिए, ये चटनी के लिए इन्होंने रेडी किया हुआ है ग्रीन, अपना आपका कोरिएंडर, धनिया, मिर्च और टमाटर। अब इसकी चटनी बना लेंगे हम लोग, और ये आलू अभी फ्राई करेंगे अपना, फिर ये आलू चटनी और साथ में स्वीट लस्सी, मीठा छाछ, तो वही चलता है। तो यही है मेरा, यही है इनका आज का फलहारी, और कुछ नहीं खाते, व्रत का खाना कह सकते हैं, व्रत का भोजन, और यही सब है। अभी जा रही है बनाने के लिए, फिर ये बनाएंगी, फिर ये खाएंगी। इसको बॉईल नहीं कर रही हूँ आज, ऐसे बनाऊंगी आज, ये मतलब भुजिया टाइप जिसे बोलते हैं, भुजिया नहीं, थोड़े बड़े पीसेस में आलू काटूंगी। और मतलब बॉईल नहीं करोगे? नहीं, उसको विदाउट बॉईल, बॉईल नहीं करेंगे इसको, ऐसी पकाएंगे जैसे सब्जी पकाई जाती है। बड़ा हर तरीके के तरीके से बना के खा रहे हैं, क्या करें जी। और आज नवरात्रि का छठा दिन है ना? हाँ, आज नवरात्रि का छठा दिन है, 6th डे, छठा दिन नवरात्रि का। तो गाइस, तो फिर अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। साड़ी कैसी लग रही है मेरी? हाँ, और इन्होंने आज पहनी है कॉटन की साड़ी, है कॉटन वाली जो बंगाली साड़ी होती है वो पहना हुआ है, एंड सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। आप लोग बताइए कैसी लग रही है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ, चलो इसको बनाते हुए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, जब ये बनाएंगे उसके बाद मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे धनिया धो रही हूँ, और मैं इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। अब मैं इसको इस जार में डाल के फिर इसको बनाएंगे चटनी, मशीन में ग्राइंड करके डिलीशियस चटनी बनाएंगे, सेंधा नमक वाली। और ये आलू भी धुल गए हैं, ये अब ये सिर्फ फ्राई होंगे। तो गाइस, अब जा रही है ये आलू को फ्राई करने। तो कढ़ाई का पानी जैसे सूख जाएगा तो मैं इसमें मूंगफली ऑयल, मूंगफली का तेल ऐड करूंगी। एक्चुअली देसी घी हम लोग इसलिए लाए ना, क्योंकि देसी घी यहाँ जो मिलता है डब्बे वाले, वो होते हैं मिलावटी, सही नहीं होता वो, मतलब पूजा के लिए ठीक नहीं होते, खाने में भी ठीक नहीं। तो देसी घी अगर प्योर वेपर, मतलब कहते हैं ना गाँव से आए, भैंस का या गाय का, तो ही सही रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि मूंगफली के तेल में ही बनाते हैं, वो बेस्ट रहेगा। तो इसमें जीरा वगैरह कुछ डालना तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं, सिर्फ मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, आलू, टमाटर और ये आपका धनिया, वो भी चटनी में सब है, टमाटर भी है, हरी मिर्ची भी है। ये पेस्ट रेडी कर लिया है चटनी टाइप का, इसको क्या करेंगे अभी इसी में फ्राई कर लेंगे, सारा इसी में मिक्स हो जाएगा मस्त, और तो खाने के लिए भी आलू यूज़ कर लेंगे। जीरा वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं जीरा नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू। तो
एक्चुअली दो लोगों के लिए, एक हमारे माता जी के लिए और एक मेरे के प्रिया के लिए, प्रिया के लिए। तो मैं इसको चलाऊंगी और इसमें अब डाल देते हैं ये सेंधा नमक। उसमें डाला हुआ चटनी होगी? नहीं, तो इसके मतलब नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं लाऊंगा आपका पिंक सॉल्ट। तो आपकी बात वो यूज़ करेंगे। तो ये चटनी मैं इसमें डालती हूँ, आधी आधी डाल देंगे, आधी फिर रख लेंगे आपका खाने के लिए। इससे क्या है, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा थोड़ा सा ना, जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा, मतलब प्रॉपर वो कचालू वाला टेस्ट आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और ये चटनी खाली कर दो, तो वही धो के पानी डाल देते हैं इसमें। जूसी बनाओगे क्या हल्का? नहीं नहीं, तो पकने के लिए पानी चाहिए ना। सो गाइस, तो चलिए तरीके से हो गया, अब बाकी अभी पानी डाल देते हैं। तो गाइस, मैंने पानी डाल के ढक दिया है और जितना पानी पक सकता है आलू जितने पानी में, उतना पानी मैंने ऐड कर दिया है। और अभी पक जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल कैसा लुक आया है। तो उसमें मैं धनिया काट के डालूंगी और ज़्यादा कुछ तो नहीं मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हम खाते भी नहीं है, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं खाती मैं। और तो यहाँ पे राशन आया है, राशन भरना हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, राशन भरना है और डब्बों में। और यहाँ चीनी का डब्बा धो के रख दिया है, चीनी के डब्बे में सीलन आ गई थी इसीलिए धो के रख दिया। और राशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, अब तो खाना भी मुश्किल हो गया है, हम लग रहा है कुछ दिनों में हम राशन भी नहीं खा पाएंगे, है ना। राशन भी नहीं ले पाएंगे कुछ दिनों में, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले जितना सामान आता था उसका डबल सामान अब आने लगा है ना, सामान उतना ही रेट डबल, डबल रेट में वही सामान डबल रेट में आने लगा है। और सैलरी क्या है, उतनी ही है जितनी पहले थी उतनी आज भी है, और सामान का रेट जो है वो डबल हो चुका है। तो यही लग रहा है कि सर्वाइव तो करना ही है कुछ, तो यही सब है, गरीबी है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। जब जीना है तो खाना है, खाना है तो लेना। अगर आप लोग चाहेंगे तो कोई भी तो वीडियो हमारी चल जाए प्लीज, वीडियो मेरी आप लोग देखते नहीं हो, मैं नवरात्रि का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो का व्यूज बढ़ाइए। और लाइक बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज आप जो भी वीडियो देखते हो तो प्लीज एक लाइक करके तब जाए। और आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक तो बिल्कुल आती ही नहीं, व्यूज तो थोड़े बहुत 10-20-50 आ ही जाते हैं, बट लाइक नहीं आती। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल फ्री है, लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। हाँ, हाँ, कुछ सजेस्ट करें कि हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। हाँ, तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप कमेंट करें और अपना सजेशन दें जी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप लोगों से हमारा आलू बन जाने के बाद। तो प्लीज़ जो भी वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ एक लाइक करके तब जाएं और वीडियो को फुल वॉच करें। अगर फुल वॉच नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ 2 या 3 मिनट 4 मिनट वीडियो ज़रूर वॉच करें, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप आगे देखेंगे ही। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से आलू बन जाने के बाद। बाय गाइस, आलू हो गया है रेडी, अब इसमें डलेगा कोरिएंडर लीफ और भी बढ़िया टेस्ट आता है। ये हो गया है आलू रेडी, इसको एक बार ऐसे चला लेंगे, ये मिक्स हो गया धनिया, और इसके बाद करेंगे इसको सर्व, तो हमारा आलू रेडी। सो गाइस, आलू बन चुका है, तो मम्मी के लिए मैंने भिजवा दिया है, तो अब चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो ये है चटनी और ये है आलू, तो मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, मैंने फलहारी कर लिया और बर्तन वगैरह भी धो दिया मैंने और किचन भी क्लीन कर दिया, अभी मैं जस्ट यहाँ बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो की एंडिंग कर दूँ, अभी टाइम मैंने आपको नहीं बताया, तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, और यहाँ पे बिग बॉस चालू हो गया है, तो मैं बिग बॉस देख रही हूँ।
तो मैंने सोचा मैं वीडियो की एंडिंग कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये नवरात्रि की छठे दिन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मैक्स और एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। और तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरी वीडियो को जो वॉच कर दें तो प्लीज़ लाइक करके तभी जाएँ, बिना लाइक करे ना जाए। और एक लाइक बहुत फ्री है, बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल पैसा नहीं लगता लाइक करने का। यार आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो और वीडियो को वॉच किया करो, फुल वॉच किया करो। तो नवरात्रि की छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। और जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके मैं अपलोड कर दे रही हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ नवरात्रि में, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अब मैं मिलती हूँ अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।